दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीमा लक्ष्मीनारायण गार्डन से। आज अगहनी है, सभी लोग जानते हैं कि अगहन के लास्ट में अगहनी बनाई जाती है पूर्णमासी को। तो पूर्णमासी के दिन सभी लोगों के यहाँ दही बड़े बनते हैं। तो आज मैं अपना वीडियो इसी पे लेके आई हूँ कि दही बड़े आप सॉफ्ट, इतने बढ़िया, इतने मुलायम, जो मार्केट में भी आपको ना मिले, आप कैसे खाएं, कैसे बनाएं और फिर उनको क्या स्वाद से खाएं, आज मैं अपने वीडियो में ही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दाल भिगोनी है, जो कि मैंने भिगोई थी रात में ही, एक दिन पहले ही दाल भिगोनी चाहिए, जिससे हमको दाल को साफ करने में आसानी रहे। जब दाल भीग जाती है तब साफ हो जाती है, वरना अगर जो आप दाल तुरंत भिगोएंगे तो बिल्कुल साफ नहीं होगी। और इतना इसको साफ धुल लें कि बिल्कुल छिलके अलग हो जाए और दाल आपकी साफ साफ दिखने लगे। उसके बाद में मिक्सी में आप पीस लें, जैसा कि मैंने पीस ली है दाल पीस ली है। और सबसे मेन होती है दाल को कैसे आप चेक करें, जब आपकी दाल फूल गई है, दाल दही बड़ा आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। सबसे मेन होता है काम दाल का, कि दाल आपकी परफेक्ट पिसी है, परफेक्ट फूली है। और आप कैसे दाल को चेक करें कि कैसे आपकी दाल परफेक्ट है, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक आइडिया बताती हूँ। आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि सबसे पहले आप पानी लें किसी में, और दाल आपकी दाल मिक्सी से फेंटने के बाद में दाल वैसे ही बहुत अच्छी फेंट जाती है। और अगर जो हाथ से आप, बहुत लोग पहले सिल पे पीसते थे, सिल की दाल पिसी हुई टेस्टी तो बहुत होती है, लेकिन उसको फेंटने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आजकल किसी के पास समय कहाँ है जो सिल पे पीसेगा, तो ये मैंने मिक्सी से पीस ली है। आधा किलो दाल होगी, आधा किलो थोड़ी सी कम होगी, तो उसके लिए इस टाइप से दाल थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी बिल्कुल ना रखें। और जब दाल आपकी फूल जाती है, हल्का सा पानी डाल के इसको इतनी फेंटे कि आपकी दाल जो है, जो आपका बर्तन है, ये हल्का छोड़ने लगती है। जब दाल फेंट जाएगी तो जो आप जिस बर्तन में दाल रखेंगे, वो दाल हल्की सी आपकी ऐसे लगा कि बर्तन से छूटने लगी। आप इस टाइप से जब इसमें चम्मच डालेंगे तो लगेगा कि दाल बर्तन में चिपक नहीं रही है, तब आपकी दाल सोचिए फिट गई है। और दूसरा ये है कि आप दाल ऐसे उठा के अगर इसमें पानी में डालते हैं, पानी के ऊपर दाल लेके आ गई, तो समझ लिए दाल आपकी फिट गई है, उठ गई और परफेक्ट दही बड़ा बनाने के लिए तैयार है। अब दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान इसमें लगता है। सबसे पहले तो आप दही बड़ा के लिए दही बहुत ज़रूरी है, तो ये दही पैकेट वाले ले लें या आप जमा लें। उसके बाद में नमक स्वादानुसार डालें, जितना नमक आप, आधा किलो या 250 ग्राम जितनी भी दाल अभी होती हैं उसमें नमक डालें। उसके बाद में मिर्च और हरी मिर्च, लाल मिर्च ना डालें तो हरी मिर्च काट के, और अदरक का इतना टुकड़ा, आधा किलो से कम दाल में मैं आपको बता रही हूँ, इतना अदरक का टुकड़ा कस लें और या मिक्सी में पीस लें दाल के साथ। उसके बाद में ये दही बड़ा सजाने के लिए लाल मिर्च और जीरा पाउडर जो मैंने पीसा है भून के, और ये बहुत बढ़िया मीठी चटनी जो है इमली की चटनी, सबसे परफेक्ट, सबसे बेस्ट होती है। और हींग से डाइजेशन सिस्टम सही रहता है, क्योंकि दाल बादी होती है, इसीलिए आप मूंग और उड़द की दाल भिगो के भी दही बड़ा बना सकते हैं। अगर जो आप खाली उड़द के दही बड़ा बनाते हैं, नई दाल के दही बड़ा बनते हैं, नई दाल के उड़द दाल दही बड़ा जो इतने अच्छे बनते हैं कि अगर किसी के घर में नई दाल नहीं है तो पुरानी के भी बनते, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो पेस्ट होता है दही बड़े का, वो सबसे परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हींग है, हींग आप अपने स्वादानुसार डालें, तो मैंने इसमें हींग भी डाल ली है। और कढ़ाई गैस पे रखने के बाद में मैंने कढ़ाई जला दी है, और कढ़ाई जलाई और इसमें तेल इतना डालें कि दही, जब आप बड़ा बनाएं पकौड़ी बड़े की, तो दही बड़ा आराम से इसमें फूल पाए। तो आधी कढ़ाई में इसमें तेल डालूंगी, क्योंकि हमारे पास दही बड़े का पेस्ट ज़्यादा है, और इस टाइप से आधी कढ़ाई में तेल, आधी कढ़ाई मैंने तेल डाला है, थोड़ी सी आधी से कम है। और अब इसमें इसका वेट करें कि इसमें जब धुआं निकलने लगेगा तब हम इसमें दही बड़ा डालेंगे। और तब तक के लिए मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया। पेस्ट ऐसा तैयार करिए कि ऊपर से देखिए इस टाइप से आप चम्मच से आपका पेस्ट गिरे, बिल्कुल कड़ा नहीं होना चाहिए, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि चम्मच से आप उठा लें तो ऐसे करें, उठाए तो गिरे। और थोड़ा सा इससे और पतला कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे पतला नहीं करूँगी। और ये आपका बर्तन जैसे इस टाइप से दिखता है, तो समझ लीजिए आपकी दाल फूल गई है। और ये फूली हुई दाल इसमें देखिए अभी भी उतर आ रही है। इस दाल को हम ऐसे इसमें फिर से डाल लेंगे इस टाइप से, और सबसे मेन होती है कि फूली दाल आपके हाथ में चिपकती नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे छूटती है। आप इसे हाथ से उठाएंगे तो दाल आपकी ऐसे छूटेगी, ये दाल आपकी फूली हुई है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और तब तक इसको हम गैस को धीमी कर देंगे, और
आगे का हम आप बताएंगे। और धनिया हरी पिसी कटी हुई धनिया भी आप डाल लें, इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से दही बड़ा मैं बनाने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं इस दही को निकाल के दही फेंटती हूँ। देखिए ये इसको सबसे इसमें एक और मेन बात है कि आप जब दही फेंटेंगी दही को इतना पतला करें थोड़ा सा कि जिसमें दही बड़े हम डालें तो बढ़िया से भीग जाए, और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा दही आप इतना गाढ़ा रखें कि हम दही बड़े को जब सजाएंगे और उसके बाद जब आप खाएंगे तो उसका स्वाद देखेंगे। तो हमने चमचा चढ़ा लिया है, चमचे में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इतना गर्म करेंगे कि हमारी हींग और इसमें जीरा इतना बढ़िया पक जाए। और जब इसको हम छौंक लगाएंगे, जो हींग की छौंक होती है दही बड़े की, वही सबसे अच्छी खुशबू होती है। और आपके दही बड़े जब आप खाएंगे उसका स्वाद एक बंद करके हम छौंक लगाएंगे जिससे आग ना ऊपर पकड़े। और इस तरीके से जब हमारा पक जाता है, बिल्कुल पेस्ट पक जाता है, तब हम इसमें ऐसे चिमनी चला लेंगे। चिमनी चलाने के बाद ये सबसे बेस्ट छौंक होती है हमारे दही छौंकने के बाद। अब उसके बाद में हम दही बड़ारा बनाना शुरू कर रहे हैं। अब लोग देखते रहे लगातार कि हमारा तेल गर्म हो गया है, और तेल गर्म होने के बाद हम इस चम्मच की सहायता से ही दही बड़ा बनाना शुरू करेंगे। आप लोग देखें, और दही तेल बिल्कुल गर्म हो गया। आप देखें इस तरीके से इसमें जब धुआं उठने लगता है तो आपका तेल परफेक्ट गर्म हो गया है दही बड़े के लिए। और एक छोटे चम्मच की सहायता से इतना पतला पेस्ट करें, छोटे चम्मच की सहायता से। मैं एक बार डाल के देखती हूँ कि दही परफेक्ट है, तेल परफेक्ट गर्म है। देखिए इस तरीके से जब दही बड़ा आपका ऊपर आने लगे तो समझ लीजिए तेल आपका परफेक्ट गर्म है। इस तरीके से आप जिस हिसाब से तेल है उसी हिसाब से आप दही बड़ा इसमें डालें। अभी थोड़ा सा हमारा तेल बहुत बढ़िया नहीं पका है, अगली बार भी जब हम दोबारा से इसमें डालेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें और धुआं उठना चाहिए। जब तेल पका होता है बिल्कुल सब परफेक्ट, दही बड़ा ऊपर आ जाता है, आने लगे हैं ऊपर, और दाल हमारी बहुत बढ़िया फूली है इसलिए दही बड़ा आने लगे हैं ऊपर। और एक और खास बात होती है, आप दही बड़ा जब आपके बिल्कुल ऊपर आ जाए, बिल्कुल इसमें से जब तेल ऊपर से हल्का सा निकलने लगे, तब आप दही बड़ा पलटें, बिल्कुल छेड़े बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दही बड़ा पलटे नहीं। जब दही बड़ा पलटे, जब बिल्कुल ऊपर आ जाए, और इस तरीके से मैंने पूरी कढ़ाई में दही बड़े डाल लिए हैं। अब देख मैं दिखाती हूँ आपको, जब पक जाते हैं तब हल्के हल्के से आप ऐसे चलाते रहें जिससे कढ़ाई में लगे नहीं, और बहुत बढ़िया दिखे फूल रहे हैं दही बड़े। जब तक एक एक दही बड़ा फूल नहीं जाता है, और तब तक मैं इनको बिल्कुल पलटूंगी नहीं, बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं। और ये देखिए इस तरह से हमारा दही बड़ा फूल रहे हैं, सब दाल हमारी परफेक्ट फूली है। आप देखें कि लगभग पक गए हैं, क्योंकि जब तेल शांत हो जाता है तो समझ लीजिए आपके दही बड़े एक तरफ के पक गए। अब हम इनको पलटना शुरू करेंगे, और तेल देखिए ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि तेल ऊपर से दिख रहा है, ऐसे पलट देंगे। जब हम पलट देंगे तब दही बड़े दूसरी तरफ पकेंगे, और बहुत बढ़िया हमारे बहुत टेस्टी दही बड़े बनने वाले हैं। आप लोग इसी तरीके से दही बड़े बनाएं अपने घर में भी, और एक एक मैंने आप लोगों को स्टेप बताया है किस तरीके से सॉफ्ट और इतने मुलायम दही बड़े आपने कभी खाए नहीं होंगे। और ये देखिए जब मैंने पलटा है तब फिर से पकने लगे हैं, और आप देखते रहें 2 मिनट तक लगातार ये पकेंगे। उसके बाद जब शांत तेल हो जाएगा बिल्कुल, तो समझ लीजिए आपके दही बड़े पक गए। और एक दो बार दही बड़े को ऐसे चलाएं, और तो चारों तरफ हमारे दही बड़े पक जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा तेल शांत हो रहा है, और चलाते रहें, और जब दही बड़े आपको लगने लगेंगे कि बिल्कुल तेल शांत हो गया है और ब्राउन ब्राउन से थोड़े से डार्क ब्राउन दही बड़े जब आप दही में डालेंगे, तब आपके जब ब्राउन दही बड़े भी थोड़े हल्के से सफ़ेद लगने लगते हैं, क्योंकि दही बड़े भीग जाते हैं।
और ये दही बड़े बिल्कुल कच्चे नहीं होंगे। और जब दाल आपकी परफेक्ट होती है, बिल्कुल पतली सी इस टाइप से जो छूट जाए चम्मच से, तो आपके दही बड़े बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अगर जो आपकी दाल गाढ़ी है तो आपके दही बड़े जो आप जो बनाती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनते हैं। और सबसे बढ़िया यही तरीका है कि दाल को मिक्सी से पीसें और उसके बाद इतना फेंटे कि बर्तन को छोड़ने लगे, और आप हाथ में लें तो हाथ को छोड़ें और पतली रहे, और पानी में जब डालें तो पानी में फूल जाए, ऊपर आ जाए। अब देखिए हमारे दही बड़े बस पकने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करें। दही बड़ा पक गया है और हम कढ़ाई को अब धीमी कर देते हैं। कढ़ाई को धीमी कर दी है बिल्कुल। अब हम इस कलछी की सहायता से, जो हमारी हथिया है, जो हत्था है, इसकी सहायता से हम सारे दही बड़े बाहर निकाल लेंगे। और तेल बिल्कुल शांत हो गया है, आप देखें तेल जब शांत हो जाए, बिल्कुल इसमें बबल्स ना आए, तो समझ लीजिए आपके दही बड़े परफेक्ट पके हैं। और मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, और कोई बात नहीं। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल तेल शांत है, दही बड़ा इससे जो हमारी जाली थोड़ा सा बड़े बड़े छेद वाली है, इसमें जाली में बढ़िया सा तेल निकल गया। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये पानी ठंडा है, ठंडे पानी में ऐसे डाल देंगे दही बड़े। ठंडे पानी में दही बड़े डालने के बाद, इसलिए ठंडे पानी में दही बड़े डाले जाते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका जो तेल एक्स्ट्रा होता लगा होता है वो हमारे दही में जाएगा। देखिए दही छौंका हुआ रखा है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। मैंने पेस्ट में भी हरी धनिया डाली है, जो कि पेस्ट है, और हरी धनिया आजकल बहुत बढ़िया रहती है जाड़ों के सीजन में। और अब इसमें मैं इस तरीके से दही बड़ा निचोड़ के, ऐसे इस तरह से दही बड़ा निचोड़े, पानी ना रह जाए, और इसमें सारे दही बड़े डाल दें। ये आप इस टाइप से जब हम निचोड़ेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा इतना तेल, ये जो एक्स्ट्रा तेल हमारे दही बड़े चिपका होता है वो हमारे पानी इस पानी में आ जाता है। और इसको हम ऐसे चला देंगे, देखिए दही बड़े हमारे इसमें चला देंगे, हम इसको ढक देंगे। अब हमारे परफेक्ट दही बड़े बन गए। थोड़ी देर में आप 10-15 मिनट में देखेंगे दही बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से मैं कैसे सजाती हूँ, आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। देखें 10 मिनट हो गया है, अब आपको दिख रहे होंगे कि दही बड़े इतने भीग के सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सजा के किस तरीके से हम दही बड़े इसमें प्लेट में सजाएंगे। और दही बड़ा बनाने के बाद जो सजा के खाना है, क्या क्या इसमें डालना है, और इसमें साथ में नमक और जीरा पाउडर ज़रूर डालें इस पेस्ट में जो कि मैंने डाला है। और पिसा हुआ जीरा और नमक पाउडर जो हम दही फेंटते हैं उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि जब दही में भी नमक डालेंगे और पेस्ट में भी नमक डालेंगे जीरा पिसा हुआ, तब और स्वाद बढ़िया रहेगा। अब देखिए कितने मुलायम। और अब इसके बाद में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चटनी, जो सबसे बढ़िया टेस्टी चटनी है इमली की, ऐसे इमली की चटनी डालेंगे इसमें। आप छुहारा डाल सकती हैं, किशमिश डाल सकती हैं, काजू वगैरह इस इमली की चटनी में इस तरीके से सजाएंगे। उसके बाद में हम नमक, थोड़ा सा नमक ऊपर से, और जीरा पाउडर, और ये लाल मिर्च, और ये धनिया सबसे खूबसूरत हमारा। ये देखिए किस तरीके से ये दही बड़ा बने हैं और इतने सॉफ्ट हैं, आप जब खाएं तो मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही देखिए सॉफ्ट दही बड़े बहुत टेस्टी बने हैं। थैंक यू, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसी तरीके से आप दही बड़ा बनाएं और आज के दिन सब लोग लुत्फ़ उठाएँ दही बड़ा का। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।